दोस्तों सबको नमस्कार। मैं महेश कुमार, प्रेजिडेंट ऑफ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। मेरी ये संस्था हर इंसान को लेके, एक साल के बच्चे से लेके 100 साल के लोगों तक हैप्पीनेस का प्रोग्राम कंडक्ट करती है। आज एक बच्चा पैदा होता है, उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पे जितने भी नए दंपत्ति हैं, हर माँ बाप चाहता है कि मैं एक सुंदर प्यारा सा बच्चा पैदा करूं, कि वो इस दुनिया में, क्योंकि वो उसकी परिवार को चलाएगा, उसके खानदान को चलाएगा। तो एक इंजीनियर जिस दिन एक कार बनाने के लिए तैयारी करते हैं, तो उसके हर कल पुर्जे को किसी मशीन में चेक किया जाता है, टेस्टेड किया जाता है। एक चित्रकार चित्र बनाता है तो वो बड़ा शांत होकर बैठता है कि मेरे को एक चित्र बनाना है। एक किसान भी अपने खेत में एक बीज बोता है तो खेत की नमी तक को चेक करता है कि मेरे को खेत में बीज बोना है तो क्या भूमि तैयार है। और हम भी अपने परिवार में एक नए बच्चे की, एक नए मेहमान की, जो हमारे खानदान को चलाएगा, अगर उसकी तैयारी करते हैं, क्या हम कभी देखते हैं हमारी पत्नी खुश है, शांति में है, उसको कोई तनाव तो नहीं है, उसको शारीरिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या पति खुश है, क्या मोहब्बत के पल हैं, शांति के पल हैं, क्या हम एक नए मेहमान की तैयारी की जाए। ऐसा कहा जाता है कि पुराने शास्त्रों में भी कि जब एक नए मेहमान की तैयारी होती थी तो सारी चीज़ों को जज किया जाता था, पत्नी को, पति को। और मेरा मानना है कि पति अगर अपनी पत्नी से मिलने जाए एक नए मेहमान की तैयारी में, या पत्नी पति से मिलने जाए, तो वो ऐसे जाए जैसे परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। तो उनके घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो किसी संत से कम नहीं होंगे, वो आइंस्टीन न्यूटन जैसे बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि ये पवित्र काम है, ये पति पत्नी का मिलना और परमात्मा का उसके अंदर एक नई आत्मा का उतारना, ये दोनों काम बराबर साथ साथ होते हैं। आप और मैं और जितने धर्मगुरु, सारे हम इस पवित्र काम की वजह से इस दुनिया में हैं। तो एक पवित्रता का काम है, हम इसको एक पवित्रता का काम मान के अगर करेंगे, और हमारे घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत प्यारे, चहुमुखी, और सिर्फ वहीं तक ये काम नहीं रुक जाना। एक गुलाब का माली पौधा लगाता है तो उसको लगाने के बाद भी उसकी केयरिंग करता है, उसमें किस वक्त पे खाद देना, किस वक्त पे पानी देना, किस वक्त पे, वो औरत सारा, जब तक वो नए बच्चे को जन्म ना दे ले, उसका माहौल खुशी का हो, शांति का हो, हम सबको उसको समर्थन देना है कि वो माहौल रहे, उस बहन को भी जो उस बच्चे को पैदा करने वाली, उस माहौल को बनाए रखना है कि वो घर में बड़ा प्रेम पूर्वक माहौल बना के रखे, शांति का माहौल बनाए, कोई भी बात ऐसी ना हो जिसमें उसको तनाव हो और उसकी चेतना गड़बड़ हो, क्योंकि उसकी, उस माहौल का उस बच्चे पे भी असर पड़ेगा। और मेरी यही गुजारिश है कि बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े मोहब्बत के, बड़े शांति के, बड़े वातावरण के प्यारे में ये बच्चा पैदा होना चाहिए, और आपके घर में वो नया मेहमान आए जो आपके घर में आपके खानदान को चलाएगा, आपकी पीढ़ियों को चलाएगा। हर इंसान एक नई चीज जो भी पैदा करता है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे घर में जो बच्चा हो वो बहुत बेस्ट होना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। आपने मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और कुछ लोगों का भला कर सकती है तो मैं चाहूँगा ये वीडियो आगे शेयर करें। अगर आपको लगता है ये गलत है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने मेरी बात सुनी। आप सबको बहुत खुशियाँ भरा दिन हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, किसान की खेती बड़ी अच्छी से चले, सबका घर सुंदर बने, मोहब्बत का भरे, प्यार भरा रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।